Hello students, my name is Shahnawaz Ahmed and I'm teaching the ACCA subject financial management for the last 15 years. In this video, I'm discussing the introduction about the paper financial management, its strategy, its syllabus, its overall tips and techniques. So let's start with this. First of all, अगर पेपर की बात की जाए तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप इस पेपर में आपका लर्निंग आउटकम्स क्या है, आप इस पेपर में क्या सीखेंगे आफ्टर कंप्लीशन. दिस इज़ अ फंडामेंटल लेवल ऑफ पेपर. इस पेपर का एज सच कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, लेकिन कुछ F2 की इंफॉर्मेशन और कुछ F3 की इंफॉर्मेशन आपको इस पेपर में हेल्प आउट करती है. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने F2 लेवल के ऊपर यहाँ पर डिस्कस की हुई हैं. और ये सब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल पेपर के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल समझा जाएगा. जब आप अपना ऑप्शनल पेपर AFM ऑप्ट करने जाएंगे तो F9 या FM की इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है. फर्स्ट वन इज़ दी डिस्कस द रोल एंड पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन. सेकेंड इज़ असिस्ट एंड डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन. दिस ए एंड बी पार्ट इज मोस्टली द थ्योरेटिकल पार्ट और ये अक्सर जो है वो MCQs में और पार्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है. डिस्कस एंड अप्लाई वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टेक्निक. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ FM सिलेबस एंड समटाइम्स के ऊपर एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी सेट किया जाता है. कैरी आउट अफेक्टिव इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. इसके ऊपर एक सेक्शन सी में 20 मार्क्स का एक सॉर्ट ऑफ कंपल्सरी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. तो यहाँ आपको ये बताया जाएगा कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स क्या हैं, NPV क्या है, IRR क्या है, ARR क्या है, पे बैक मैथड क्या है, रिस्क एंड अनसर्टिनिटी क्या हो सकती है पॉसिबल, और डिफरेंट अप्रेजल टेक्निक्स के ऊपर बात की जाएगी. वर्किंग कैपिटल के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि जी इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जाएगा, रिसीवेबल को कैसे मैनेज करते हैं, कैश मैनेजमेंट क्या होगी. सिमिलरली आइडेंटिफाई एंड इवेल्यूएट ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस. बिजनेस फाइनेंसिंग डिसीजन अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर आपको शॉर्ट टर्म बिजनेस फाइनेंसिंग सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म बिजनेस फाइनेंसिंग सोल्यूशन, इक्विटी, डेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इस तरह के डिसीजंस के बारे में गाइड किया जाएगा. एंड देन सम इंट्रोडक्टरी लेवल टॉपिक्स विच इज बिजनेस एंड एसेट्स वैल्यूएशन एंड रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक इन बिजनेस. ये एरिया जो है वो FM में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन AFM में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. तो ये नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाती है FM में, ताकि जब आप AFM में जाएं तो आप फेमिलियर हों कि कौन से एरियाज ऐसे हैं जो आपको वहां जाकर एडवांस पे पढ़ने हैं. बिजनेस वैल्यूएशन एंड एसेट वैल्यूएशन में हम इक्विटी की वैल्यूएशन, डेट की वैल्यूएशन, किसी बिजनेस को अगर टेक ओवर करना है तो उसकी बिजनेस वैल्यूएशन के मेथड, और रिस्क मैनेजमेंट में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे जी करेंसी को कैसे मैनेज किया जाता है और इंटरेस्ट रेट के अगेंस्ट जो रिस्क होता है उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है. ये एक डायग्राम है जो कि आपको मुख्तलिफ कंपोनेंट को डिस्कस कर रहा है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन ए, बी, वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस वैल्यूएशन एंड रिस्क मैनेजमेंट. नाउ एज फार एज द सिलेबस इज कंसर्न्ड, आपका 3 आवर का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है. यस, इट्स अ CB एग्जाम. तमाम क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं. एग्जाम में डिस्कर्सिव एलिमेंट भी होता है और कंप्यूटेशनल एलिमेंट भी होता है. नाउ जब आप इस पेपर को स्टडी करने जाएंगे और आप ट्यूशन लेंगे या आप खुद सेल्फ स्टडी करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि इस पेपर में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट्स हैं. लेकिन एग्जाम में जब आप अटेम्प्ट करने जाएंगे तो आपको डिस्कर्सिव एलिमेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा. और ये पेपर पास करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, आपकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. एंड यू कैन एक्सपेक्ट 60% थ्योरी एटलीस्ट इन द एग्जामिनेशन. सो इस पेपर को पास करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट टिप अवेलेबल इज कि आपकी थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छा होना चाहिए. और इसके लिए आपको पास्ट पेपर्स को रेफर करना चाहिए. पास्ट पेपर्स की थ्योरी रेप्लिकेट भी होती है, दोबारा एग्जामिन भी हो जाती है. और इसके लिए जो टूल्स आप इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए आपको एक अदर टेक्स्ट बुक इस्तेमाल करनी चाहिए. और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको ACCA के FM के जितने भी आर्टिकल्स ACCA की वेबसाइट के ऊपर रखे हुए हैं टेक्निकल आर्टिकल्स, वो लाजमी रीड करके आने चाहिए अगर आप अपनी थ्योरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं. सम क्वेश्चन विल अडॉप्ट अ सिनेरियो और केस स्टडी अप्रोच विच इज़ नॉर्मली सेक्शन सी CRQs.
Section A of the computer-based exam comprising 15 objective test question of 2 mark each. तो इनका ब्रेकअप इस तरह से है कि आपके पास 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे और सेक्शन ए कंप्राइजेज ऑफ 30 मार्क्स. इसमें डिफरेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे एंड इट विल कवर द एंटायर सिलेबस. सेक्शन बी ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंप्राइजेज 3 क्वेश्चंस कंटेनिंग 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. तो आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन की मार्क्स होंगे 10, तो टोटल वर्थ होगी 30 एंड ईच क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 2 mark 5 OTQs. अगेन यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक टेस्ट किए जाते हैं. नॉर्मली जो सेक्शन बी में टॉपिक टेस्ट किए जाते हैं वो बिजनेस वैल्यूएशन हो सकता है, रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है, वर्किंग कैपिटल हो सकता है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो सकता है. सेक्शन सी ऑफ द एग्जाम कंप्राइजेस 2 क्वेश्चंस वर्थ 20 मार्क्स कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन, जिसके लिए आपको एक्सेल और वर्ड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपको एग्जाम में मिलता है. The 220 marks question will mainly comes from working capital management, investment appraisal and business finance areas of the syllabus. Section A and B cover any area of the syllabus. Normally it is a practice that ke section C mein ek sawal hamesha investment appraisal se aata hai. Ye practice hai exam mein, to hum ye keh sakte hain ki investment appraisal is one of the most important topic of FM. और इन ऑर्डर टू पास आपका कैलकुलेशन एंड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के बहुत अच्छे होने चाहिए. अगर आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पर आउटस्टैंडिंग ग्रिप ले कर जाते हैं एग्जाम में तो आपके लिए ये पेपर फेल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. आप आराम से ये पेपर पास कर सकते हैं अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की कैलकुलेशन और थ्योरी आउटस्टैंडिंग हो तो. दूसरा सवाल जो आएगा आइदर वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से भी हो सकता है और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से भी हो सकता है. नाउ हम कुछ एग्जामिनेशन टिप्स और चीज़ों के ऊपर फर्दर बात कर लेते हैं. आपके सामने एक डॉक्यूमेंट है जो कि सिंगल पेज एसेंशियल इंफॉर्मेशन है एफएम के बारे में. एंड यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टैकलिंग द एग्ज़ाम. सेक्शन ए में क्या आना है, सेक्शन बी में क्या आना है. सेक्शन बी के लिए कुछ टिप्स यहाँ पर दी हुई हैं OTQs के लिए. सेक्शन ए एंड बी के लिए Read the questions requirement carefully, very important. Think before answering, do not rush. Answer all questions even you are not sure. Because negative marking नहीं होती तो MCQs में अगर आपके पास A, B, C, D options मौजूद हैं तो at least आप उसे tick लाजमी करें. Box बना हुआ है then it's a difficult one. Section C, CRQ, 2 marks. So tips for answering section C questions, plan your answer. सोचें कि आपको requirement में क्या दिया गया है. अगर theory का question है तो उसको listing कर लें. Answer the requirement directly, refer to the scenario where possible, break your answer with headings, be clear and concise, attempt all part of the question, try to cover the entire paper rather than missing some marks. Steps to success, important advice. If possible, study with a approved learning partner and with approved content. Proper coaching lena iski zaruri hai. Study the whole syllabus. प्रैक्टिस एग्जाम स्टाइल MCQs भी प्रैक्टिस करें, सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें सी बी इन्वायरमेंट में. डिवेलप योर एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट अफेक्टिव रिटन रिस्पॉन्स आंसर. इंश्योर यू आर कॉम्पिटेंट वर्किंग इन कंप्यूटर बेस्ड इन्वायरमेंट. आपकी एक्सेल की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए और आपको एग्जाम टाइम मैनेजमेंट जो है वो अच्छी तरह से करनी है. एन ओवरव्यू ये ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ. फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, वर्किंग कैपिटल, बिजनेस फाइनेंस, अप्रेजल, बिजनेस वैल्यूएशन, इंटरेस्ट रेट, रिस्क मैनेजमेंट, ओवरऑल स्ट्रेटजी. रिसोर्सेज जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्वियसली इफ यू आर टेकिंग ट्यूशन तो टीचर्स के लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अदर देन दैट एग्जामिनर अप्रोच आर्टिकल ऑफ AFM, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस फॉर अप्लाइड स्किल्स, हाउ टू डू दैट, हाउ टू अप्रोच डिस्कर्सिव. ये आर्टिकल्स आपको ACC की वेबसाइट से मिल जाते हैं. एग्जामिनर रिपोर्ट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है और टेक्निकल आर्टिकल, रीड द माइंड ऑफ द मार्कर, वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्निकल आर्टिकल्स आर अवेलेबल अप्रेजल पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, वर्किंग कैपिटल पे, देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निकल आर्टिकल्स अवेलेबल जो कि थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. सो ओवरऑल अगर आपको ACC का पेपर FM पहली अटेम्प्ट में पास करना है तो आप इन टिप्स एंड टेक्निक्स को माइंड में रखें और प्रॉपर वे में सिलेबस को अगर आप स्टडी करते हैं तो यू कैन ईजिली पास. आप
हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्री वीडियोज़ जो हैं एफएम से रिलेटेड मिल जाएंगी। सर शाहनवाज अहमद आप सर्च कर लें, और हमारी ऑनलाइन क्लासेस यूजुअली जो हैं वो चल रही होती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, उसके लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।